व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह, और जैसा कि कॉलेज में 30 तारीख तक पेपर में भी निकल चुका है, कॉलेज नोटिस में भी है कि 5 अगस्त तक आप लोगों का कक्षा 9 से 11 और 12 की भी बच्चों की सबकी फीस जमा हो जाए। और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी चले। आज कक्षा 11 का हम बनाए थे कि 3 पेपर तरंग में हैं इसके। पहला पेपर आप जानते हैं तरंग और ध्वनि का सिद्धांत, बिना इसके जाने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं जान पाएगा। तो तरंग और ध्वनि को हम पढ़ रहे थे अभी तक, और इसमें हम तीन ही पेपर हैं कक्षा 11 में। 12 में भी तीन चैप्टर हैं, तो 3 3 6 करके कक्षा 11 इस तरह से हम लोग ख़त्म करेंगे, हमारा प्लान भी यही है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें हम तीसरे चैप्टर में हमारा क्या है। बाकी तो बेसिक जानकारियां आप जानते ही हैं कि 60-60 नंबर के 300 नंबर का एक पेपर होता है, एक पेपर सामान्य हिंदी आप लेते हैं 100 नंबर का, और एक सामान्य आधारित विषय है, और एक वैकल्पिक पेपर है साथ में 400 नंबर का प्रयोगात्मक है। तो ये हमने हमेशा आपको व्यावसायिक शिक्षा के परिचय में भी दिया है। ये आपका रहा ये तरंगों का परावर्तन, प्रोग्रामी तरंग हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, और इस वीडियो में हम तरंगों का परावर्तन और अपवर्तन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है तरंग का परावर्तन और अपवर्तन। ये हाई स्कूल में भी आप लोगों ने पढ़ा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हाई स्कूल तक की शिक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो प्रैक्टिकली एकदम सिद्ध है। तो थोड़ा डायरी की तरफ भी आते हैं, देखते हैं। तो इसमें एक समरी बनती है, व्यवसायिक शिक्षा रंगीन टेलीविज़न रेडियो एंड कलर टेलीविज़न कक्षा 11 पेपर 3 तरंग एवं ध्वनि का सिद्धांत, तरंगों का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का नाम है आपका। तो इसमें तरंग की अभिलाक्षणिक विशेषताएँ, तो किसी भी तरंग की अभिलाक्षणिक विशेषताएँ मैं पीछे से बताता आ रहा हूँ कि अगर वो माध्यम में जैसे लास्ट वाला लें कि तरंगे कोई माध्यम जैसे रेडियो बजा रहे हैं, टीवी चला रहे हैं आप, तो वो अगर माध्यम सेम हैं तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। आप जो चैनल चाहें वो चैनल लगा दें, उस तरह की तरंग उस पर आ जाएगी और आपका चैनल बदल जाएगा टीवी का। तो तरंग जो है ये आत्मनिर्भर होती हैं, हर तरंग आत्मनिर्भर होती है और हर व्यक्ति को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। और इन तरंगों के कारण ही, इनकी तरंग दैर्ध्य के कारण ही इनका हम आगे पढ़ेंगे हाइगेंस में भी, इनका रंग का भी ज्ञात हो जाता है। विशेषताएं देखिए, तरंगों में विवर्तन भी होता है और व्यतिकरण भी होता है। ये चीज़ मैं आपको कक्षा 12 में बताऊंगा व्यतिकरण और विवर्तन क्या है। और दूसरा, तरंगों में परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है। हाइगेन साहब ने बताया इसको, प्रकाश का बताते थे वो, लेकिन साहब बाद में उन्होंने तरंग के बारे में भी बताया। भौतिक माध्यम के गुणों पर जो है तरंग निर्भर करती, मैं प्रत्यास्था और जड़त्व को आपने से आपको बताया हूँ, ये 2 गुण होने चाहिए तरंग के अंदर। और बाकी अगर आप फिर किताब पर जाएं तो देखेंगे तो तरंगों का परावर्तन आप देख पाएंगे। एक रस्सी से अगर बांधें आप इसको तो आपतन आपतित स्पंद और वही लौटेगा तो परावर्तित स्पंद इसे कहेंगे, तो ये अनुप्रस्थ स्पंद होगा। और तरंगों का परावर्तन और अपवर्तन देखिए, आपतित ये जा रहा है और ये परावर्तित स्पंद हो रहा है आपका। तो इस तरह से तरंगों का को डोरी में अगर बांध के हम देखें, जल के लहरों में भी आप देखेंगे तो जो सतह पे लहरें बनती हैं जल की सतह पे, उनको हम उर्मिका या रिपिल शॉर्ट में, ये एक नंबर में पूछ लेता है। तो ये आपका तरंगों का प्रदर्शन है, तरंग के गुणों का प्रदर्शन जल की सतह पर लहरों द्वारा भी किया जा सकता है। और रिपिल टैंक आपका हो ही गया, उर्मिका मैंने बता दिया उर्मिका क्या है। उसके बाद आप आते हैं हम हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो हाइगेंस आपका जो है ये उन्होंने, आप किताब से ही देख लें, 1678 ईस्वी में इन्होंने प्रकाश तरंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और इनके अनुसार ये था कि तरंग प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलती है और हमारी आँख से टकराती है तो हमें प्रकाश की अनुभूति होती है। तो इस तरह से, और इसी चीज़ को हमें ज्ञात है कि यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेंस ने भी इसको माना और इस पर
तरंगों की तरंग दैर्ध्य की भिन्नता को भी समझा। और फिर इन्होंने द्वितीयक सिद्धांत दिया तरंगों का, जिसमें इन्होंने कहा कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग स्रोत, मान लीजिए कोई माध्यम हो, तालाब है, आप तरंग स्रोत उत्पन्न करते हैं, तो स्रोत के चारों ओर का जो माध्यम है या कण भी कह लें, तो वो कंपन करते हैं। तो माध्यम में वह पृष्ठ जहाँ पर सभी कण समान कला में अगर कंपन कर रहे हैं, छोटा ही हो, तो उसे हम तरंगाग्र कहलाता है, या गोली भी होता है, मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाए। और यही दूसरे नियम में इन्होंने कहा कि माध्यम में यह तरंगाग्र जहाँ पहुँचता है, मतलब प्रत्येक कण जहाँ कंपन करता है, तो वहाँ एक नया तरंग स्रोत बन जाता है, जिससे नई तरंगे जो है उत्पन्न होती हैं और वो भी तरंगाग्र बनाती हैं। तो इन्हीं को हम द्वितीयक तरंगिकाएँ प्राथमिक चाल से ये आगे बढ़ती हैं और इसे हम कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत हाइगेंस साहब का। मैं पीडीएफ भी देता हूँ, आप इसको कान में लगा के सुन भी सकते हैं और साथ में पीडीएफ में देख भी सकते हैं। कम ही लिखें, मैंने जैसे यहाँ लिखा आपको डायरी में कि हाइगेंस साहब 1678 में आए और प्रकाश के तरंगों का सिद्धांत बताया उन्होंने। प्रकाश तरंग के रूप में चलती हैं, आँख से टकरा कर हमें प्रकाश की अनुभूति होती है। प्रकाश का तरंग अलग अलग रंग अगर बता देता है। और हाइगेंस ने तरंग के बारे में कहा, बताया कि प्रकाश की जो तरंगे हैं हर जगह, वो तरंगा पहला हो जाता है और दूसरा आपका नया स्रोत बन जाता है। दूसरे तरंग मतलब वही तरंग आगे बढ़ती है तो एक नया स्रोत बना देती है, तो द्वितीय तरंग कायम उसे हम कहते हैं। अब हाइगेंस के तरंग का परावर्तन और अपवर्तन अगर आप देखें तो एक ही चित्र में आपको समझ में आएगा। हाई स्कूल में आपने देखा होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, बीच में एक अभिलंब और साइन आई और साइन आर, दो आप बनाते थे। तो इसी को हम आपतन कोण, परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये तरंग प्रकाश का, हाइगेंस के प्रकाश का आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और दूसरा नियम इसी को कहते हैं परावर्तन का। और पहला नियम उसको कहते हैं क्योंकि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा जो है आपतन बिंदु और अभिलंब जो बीच में आपने खींचा है, और यह बिंदु ओ, यह एक ही तल पे है, इसलिए इसे हम पहला नियम भी कहते हैं। और साइन आई अपन साइन आर, इसे हम स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं। तो ये बड़ा शॉर्ट है, इसके अंदर बहुत छोटा सा चैप्टर दो पढ़ने का है। इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो बड़े देखें, यही आ सकता है। सूत्र है प्रकाश की चाल वी बताइए, और जबकि सी प्रकाश की चाल है और एन क्या है, किसी कांच का जैसे अपवर्तनांक डेढ़ होता है, 1.5 होता है। तो आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है कि वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल, तो सी बराबर फिक्स होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपवर्तनांक अगर आपको पता चल जाए तो प्रकाश की चाल क्या है ये आपको वी से ज्ञात हो जाएगा किसी भी माध्यम में। तो अपवर्तनांक डेढ़ होता है कांच का, और उसमें दिया होगा, और जिसका भी अपवर्तनांक रहेगा ये चूँकि फिक्स है और प्रकाश की चाल भी फिक्स है, तो जिस माध्यम में वो तरंग गति कर चल रही होगी उसका भी एक प्रकाश की चाल जो है उसका निकाल सकते हैं, चाहे वो कांच में हो या कहीं जिस भी माध्यम में हो। तो इसके अंदर छात्रों यही छोटा छोटा सवाल था, और अगर छोटे नंबर के सवाल भी इसमें एक एक नंबर के मार आते हैं, जैसे कि हाइगेंस तरंग सिद्धांत में प्रकाश तरंगों की प्रकृति को माना गया है अनुदैर्ध्य माना गया है, प्रकाश तरंग सिद्धांत में प्रकृति को अनुप्रस्थ बताया किसने, फ्रेजलन ने बताया। और कोई जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है उसका लक्षण क्या बदलेगा, तो उसका तरंग दैर्ध्य बदलेगा, आवृत्ति और चाल और आयाम नहीं बदलेगा, सिर्फ तरंग दैर्ध्य बदलेगा। तो इस तरह के छोटे छोटे एक एक नंबर के सवाल भी आते हैं जिनको मैं आपको दे दूँगा पीडीएफ में, आप उसको देख लेंगे। तो चैप्टर मेन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से फिर आपको मैक्सिमम इसमें थ्योरी के क्वेश्चन ही इसके अंदर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और वही आपका तरंग की अभिलाक्षणिक विशेषताएँ बता दीजिए,
हाइगेंस को जरूर पूछता है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बता दीजिए और द्वितीय तनिकाओं के बारे में बता दीजिए और हाइगेंस के परावर्तन के नियमों को थोड़ा पहला दूसरों को समझा दीजिए और आंकी उदाहरण कार्ड दे सकता है, उर्मिका क्या है, इस तरह के सवाल आपसे इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। और कक्षा 11 और 12 दोनों मिला के ही आएगा, कक्षा 12 के छात्रों के लिए, तो 11 के छात्र इसको पढ़ें और 12 के छात्र, इसलिए मैं दोनों ग्रुप में इसको डाल भी देता हूँ और आपके साथ दोनों ग्रुप में पढ़ने से ये आराम रहेगा कि बेसिक चीज़ें आपको पता हो जाएंगी। तो आपके 12 का भी कल से मैं पेपर जो लूँगा वो रेडियो टीवी का 12 क्लास का तरंग का ही, इसी चैप्टर पेपर 1 का ही तरंग और ध्वनि का सिद्धांत का चैप्टर रहेगा आपका, उसमें पहला, उसमें 3 चैप्टर उसमें भी हैं, उनको भी देख लेंगे। इस तरह से हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे 5 हैं इसके अंदर, 5 हम लोग ख़त्म कर लेंगे। PDF भी आप देख लेंगे, मैं आपको PDF भी दे देता हूँ अभी। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों आपका, और समय से कॉलेज और थोड़ा सा अपना जो भी लोग NCC पाए हैं वो भी अपना देख लें, टाइम से आए हैं सबको, जो जो सामान्य सूचनाएं वही हैं, और 30 तारीख तक सब लोग अपनी फीस कागज़ जो भी है अपडेट कर डालें, और जो कुछ होगा तो मैं वीडियो में आपको दे भी देता रहूँगा। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों आज का वीडियो सुनने के लिए।